अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद कर सब खैरियत से होंगे जी। ये जी सैरी का टाइम, तो आज मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, इसलिए सॉरी। ये बना रही थी मेरे हस्बैंड सैरी की, और ये है जी फर्स्ट सैरी जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जी। ये आंटी बना रही थी जी पराठे, जो मेरी सास अम्मा वो बना रही थी पराठे, और जी मेरे हस्बैंड जी कैमरा खराब थे, पता नहीं कहाँ कहाँ जी हम जा रहे थे उस रूम में जहाँ पर हमने सैरी का इहतमाम किया हुआ था, चीज़ें रखी हुई थी जी। ये देखें सब बैठ कर सैरी कर रहे हैं। मैं ज़रा लेट हो गई थी उठने में, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई शुरू की। तो ये जी पराठे सैरी में हमारे, और चने जो मैंने रात को बनाए थे खाने के लिए वही, और साथ ही जी दही जो मैंने घर में ही जमाई थी, देखें कि मैंने घर में ही जमाई थी, इसकी भी रेसिपी कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जी अंकल के लिए थी दाल और पराठे, और रात को नान आए थे थोड़े से, तो वो भी हम लोगों ने फ्राई किए हुए थे जी। और साथ ही जी चाय और मलाई, जिसने मलाई खानी थी मलाई खा, जिस सालन जिसने दही जिसका जो दिल करता था वो खाए थे, लेकिन ज़्यादातर सब सालन से खाती थी। ये थी जी हमारी सैरी, छोटा सा इंतज़ाम जो हम लोग खाते हैं डेली में, वही मैंने आप लोगों को दिखाया है। इसमें कोई बनावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो मेरी डेली रूटीन सैरी की जो रूटीन है मैंने वही आप लोगों को। ये थी जी हमारी फर्स्ट सैरी जो बहुत अच्छे से गुजरी माशाल्लाह जी। अल्लाह पाक आगे भी अच्छा ही रखे, सबको खैर आफियत रखे जी। आप लोग इस रमज़ान के महीने में दुआ कीजिएगा कि मैं भी बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, अल्लाह पाक मुझे भी सेहत आप दे, जो बीमारों को भी सेहत कामल अता फरमाए। और ये जी दही जो मैंने घर में जमाई थी, देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त है जी। घर का दही बहुत ही ताज़ा होता है, और अपने हाथ से बनाए हुए तो दही का मज़ा ही कुछ हो रहा था जी। ये सारी आइटम हम लोग खाते हैं और अफ्तारी में भी हमारी इस्तेमाल हो जाएंगी। इसके बाद सैरी करने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर जो सफारा वगैरह पढ़ना था मैंने वो पढ़ा जी, ये पढ़ा था जी मैंने सफारा सैरी टाइम। और जो किचन के काम थे वो आंटी और मेरी जो देवरानी थी वो कर रही थी, तो वो भी हम सैरी टाइम ही सारा कुछ काम ख़त्म वगैरह करके आराम से फिर सो जाते, नींद तो आ नहीं रही होती, तो इसलिए जितने जब तक सफारा मेरे से पढ़ा जाता पढ़ती रहती हूँ मैं जी। तो आप लोग भी जी इस रमज़ान में दुआ कीजिए, अल्लाह पाक सब के लिए जी खैर के दिन लाए, और जी कोरोना जब से वबा है इससे हमारी जान छूट जाए, सबके कारोबार में बरकत हो, आमीन सुम्मा जी।